स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द क्लास ऑफ स्पेशल फंक्शन। इसमें हम पावर सीरीज चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.4, एंड इसमें हमें फाइंड आउट करना है एग्जिस्टेंस ऑफ पावर सीरीज सॉल्यूशन, यानी हमें पावर सीरीज की फॉर्म में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। जब हमने ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट पढ़ा था, कुछ इस टाइप से ही थी हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन बताइए, पावर सीरीज सोल्यूशन इसका निकालना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके वर्किंग रूल मैं आपको फर्स्ट में यानी स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर मैं साथ साथ आपको करवाते जाऊंगी, साथ साथ आपको बताते जाऊंगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, इससे पहले कुछ वर्किंग रूल है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके भी कई सारे मेथड्स हैं, तो आज के लेक्चर में हम पहला मेथड डिस्कस करते हैं। क्या कहता है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सॉल्व कीजिए, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन सीरीज, इसका सॉल्यूशन सीरीज में निकालिए। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, वो हम तब सॉल्व करेंगे, यानी कि ये मेथड जो अप्लाई करेंगे, ये तब अप्लाई करेंगे जब एक्स इसका ऑर्डिनरी पॉइंट, एक्स इक्वल टू जीरो इसका ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है कि x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन एनालिटिक होगा। फंक्शन एनालिटिक क्या होता है कि x इक्वल टू जीरो पर px और qx की वैल्यूज फाइनाइट मिलेंगी। चलिए देखते हैं, कंपेयर करते हैं यहाँ से किसके साथ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए। सो हियर p की वैल्यू x और q इज 1 y का मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ अभी, ये सोल्यूशन यानी ये मेथड हम तभी अप्लाई करेंगे जब x इक्वल टू जीरो इसका इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली x इक्वल टू जीरो, क्लियरली x इक्वल टू जीरो इज ऑर्डिनरी पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो p ऑफ x हमें क्या वैल्यू दे रहा है, p ऑफ x हमें जीरो वैल्यू दे रहा है, यानी कि हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। ओके, अब x इक्वल टू जीरो इसका ऑर्डिनरी पॉइंट हमें मिल जाता है, तो इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में लेकर चलोगे, लेट द सोल्यूशन फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। पहला स्टेप हमारा ये है कि x इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट हमने प्रूव किया। दूसरा स्टेप है कि इस इक्वेशन का अगर x इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट आ जाता है तो हमें सॉल्यूशन लेकर चलना है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बी y इज इक्वल टू, सॉल्यूशन करने का मतलब y की वैल्यू निकाल रहे हो, a नॉट a वन x ए टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें सीरीज में निकालना है ना सॉल्यूशन, तो वाई हम सीरीज की फॉर्म में लेकर चलेंगे, एक्स क्यूब प्लस अप टू सॉल्व, इसको मैं लिख सकती हूँ एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स रेज टू पावर एम, ठीक है। तो ये हम लेकर के चले हैं, लेट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट बी, ये हो सकता है। तो सॉल्यूशन अगर ये इसका है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कर लो, डी वाई बाई डी एक्स, वो डिपेंड करता है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो या फिर आप इन टर्म्स का करते हैं तो यहाँ से भी बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं करती हूँ, ये ज़ीरो हो जाएगा, ए वन यहाँ से टू ए एक्स, थ्री ए थ्री, यहाँ पर ए टू था है ना, ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सॉल्व। अब आप इसकी सीरीज जब बनाइएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या ये आ जाएगा, वन से स्टार्ट होता है, एम की वैल्यू हमारी वन से स्टार्ट हुई, इन्फिनिटी तक जा रही है, अप टू सॉल्व है। सबसे पहले ए वन, देन टू टाइम भी है इसके पास, वन इंटू ए वन, टू इंटू ए टू, थ्री इंटू ए थ्री। तो यहाँ पर अगर मैं ए एम लेती हूँ तो m इंटू ए एम हो गया, m को आपने 1 पुट किया तो 1 इंटू ए वन पहला नंबर आ गया, और x की पावर क्या लेंगे, m माइनस वन, क्यों,
क्योंकि पहले टर्म के पास एक्स नहीं है, इसका मतलब जब आप एम को वन पुट करोगे तो पावर मेरी जीरो आनी चाहिए ताकि एक्स हमारा क्या हो जाए, वन हो जाए, एक्स की पावर जीरो वन आ जाए, समझ रहे हैं? तो यहां से बता सकते हो आप, ओके? तो ये हमारे पास आ जाता है डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। यहां पर टू ऑलरेडी है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन ए टू, यहां पर थ्री इंटू टू पावर आगे लेके आओगे ए थ्री इंटू एक्स। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आने वाली है, एक और लिख लेते हैं यहां पर, थ्री ए फोर, थ्री नहीं फोर, क्योंकि इसके बाद आएगी ए फोर एक्स फोर, इसका डिफरेंशिएशन फोर ए फोर एक्स थ्री प्लस अप टू सॉ, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे फोर इंटू थ्री इंटू ए फोर एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सॉ। समेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर ए टू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा एम इंटू, देखिए वन टू थ्री आगे फोर जाएगा, तो वन टू थ्री फोर ये तो हमारा m को रिप्रेजेंट कर जाएगा, यानी कि अगर मैं m इक्वल टू अप टू इन्फिनिटी जाएगा ना, तो m हमारे पास ये हो जाता है। अगर ये m इक्वल टू वन, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू वन पुट करूँगी तो मेरे पास क्या रहेगा, क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए स्टार्टिंग में। अगर मान लो मैंने यहाँ पर m इक्वल टू वन ले लिया, तो आप कैसे बनाओगे समेशन, यहाँ पर समेशन हमें कैसे किस फॉर्म में लेकर के आना है, m इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, m को आपने वन पुट किया तो टू किस फॉर्म में आना चाहिए। अगर मैं इसको m प्लस वन लिख दूँ तो m को वन पुट करोगे टू इंटू वन मिल गया, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एम कॉन्स्टेंट किस, अगर आप ए एम लिखते हो तो यहाँ पर ए टू आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में मुझे क्या मिल रहा है, टू इंटू वन, तो पहले टू मिल रहा है, m हमारा टू से स्टार्ट होगा, टू मिल रहा है तो यहाँ पर मैंने m ले लिया। अगर ये m है तो ये वन क्या हुआ, m माइनस वन, m माइनस वन, ए टू ये m, तो यहाँ पर आ गया ए एम, ठीक है। x की पावर, अब आप देखिएगा जब हमने ए एम लिया, इसमें x की पावर जीरो है यानी दो कम है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू पावर m माइनस टू, ताकि आप जब m को टू पुट करो तो x की पावर जीरो वन आ जाएगा, और ये पहला कॉन्स्टेंट हमें मिल जाएगा जब आप m को टू पुट करोगे, ओके? तो इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, डिवाई डीवाई बाई डी एक्स, वाई तो हम लेकर चलेंगे इस फॉर्म में, सोल्यूशन लेकर चलेंगे हम जब x इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, ठीक है? सारी वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ये क्वेश्चन लेंथी होने वाले हैं, सो यहाँ पर पुट करोगे, समेशन की फॉर्म में पुट करोगे, ये वाली फॉर्म नहीं, समेशन की फॉर्म पुट करोगे, समेशन m इक्वल टू 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 इन्फिनिटी m इंटू एम माइनस वन ए एम एक्स की पावर m माइनस टू, एक्स इंटू समेशन m इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी और m इंटू ए एम एक्स रेज टू पावर एम माइनस वन, ठीक है? फिर आप वैल्यू पुट करो y की, ये x मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ पे y की क्या वैल्यू है, m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, समेशन फॉर्म में बोल रही हूँ मैं, बार बार ये ध्यान रखना है, ए एम एक्स की पावर m इक्वल टू जीरो, तीनों वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब ये x आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर x को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर एक ऐड हो जाएगी, x की पावर m आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर आपको इंडेक्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, इसके पास x की पावर m है, इसके पास x की पावर m, यहाँ पर x की पावर m माइनस टू है, तो इसको आप x की पावर m में लेकर आओ, मतलब यहाँ पर मैं पुट करूँगी, पुट m माइनस टू इज इक्वल टू k इन फर्स्ट समेशन, ठीक है? m माइनस टू को k पुट करोगे, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, k प्लस टू, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम देखें, दिस बिकम्स m इक्वल टू टू, अगर आप m को टू लेते हो तो k की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, m टू से स्टार्ट हो रहा है ना, तो k किस से स्टार्ट होगा, जीरो से, और m के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, k प्लस टू,
के प्लस टू, यहाँ पर आ जाएगा के प्लस वन, देन ए एम, एम है ये, ए एम के प्लेस पर पुट करिएगा के प्लस टू एक्स की पावर एम प्लस, इधर समेशन आप इकट्ठा ले सकते हो, बट यहाँ पर इंडेक्स एम इक्वल टू वन, यानी कि समेशन एम इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी है और आगे है जीरो टू इन्फिनिटी, एम इंटू ए एम एक्स की पावर एम प्लस समेशन एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स की पावर एम इक्वल टू जीरो। अब हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर आप के को वापस एम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब हमारे पास जो सीरीज आने वाली है एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, के को एम में चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर के आएगा भाई, ये हमारे पास आ जाती है जब हमने वैल्यूज को पुट किया है। अब यहां से देखिएगा कि m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स की पावर m, इस समेशन को इसको हम सेम बना सकते हैं, यहाँ पर आप m को जीरो पुट कर दो, x की पावर जीरो वन a जीरो, यानी कि अगर मैं सिर्फ इसको ओपन करती हूँ ना, कहाँ करके बताएं, वैसे रफ तो करना ही पड़ेगा हमें, m इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एम प्लस टू एम प्लस वन ए एम प्लस टू एक्स रेज टू पावर एम। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसको मैंने सिर्फ इसको बता रही हूँ, यानी कि ये मैंने एज इट इज रखे दोनों समेशंस, इसको लिख दिया ए नॉट एम को जीरो पुट के एक्स की पावर जीरो वन प्लस, एक टर्म हमने ओपन कर लिया एम इक्वल टू जीरो के लिए, इसके बाद एम इक्वल टू वन, यानी इस समेशन को मैं लिख सकती हूँ एम इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एम एक्स की पावर एम इक्वल टू जीरो। समझ रहे हैं कैसे भाई, एम इक्वल टू जीरो से समेशन स्टार्ट था, मैंने एक टर्म ओपन कर दी एम को जीरो पुट कर दिया तो मुझे एक टर्म मिल गई, इसके बाद के जो टर्म स्टार्ट होंगे वो एम इक्वल टू वन के लिए स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो समेशन को हमने लिख दिया एम इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। ये क्यों लिखा, ताकि ये और ये समेशन सेम आ जाए और हम इसको कॉमन ले सकें। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो एम इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, दोनों में समेशन कॉमन लिया, ए एम एक्स की पावर एम कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एम हो गया कॉन्स्टेंट, यहाँ से वन हो गया और ए एम एक्स की पावर एम कॉमन आ गया प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर या थर्ड ले लो और सेकेंड ले लो जो हमने सोल्यूशन लिया था दिस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद आई थिंक यहाँ पर आप समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये सोल्यूशन लेकर चले हैं, डिफरेंशिएशन किया है, इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया है, सब के जो समेशन है x की पावर m में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर m माइनस टू था तो इसको हमने m में कन्वर्ट किया और एक हमारे पास ऑलरेडी शिफ्ट हो गया था ना x से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे सोल्यूशन निकालना है पावर सीरीज में, इसका मतलब मुझे a नॉट a1 a2 a3 अब तो सॉरी इन कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, यही चाहिए ना, तो कैसे करेंगे, यहाँ से आप लेफ्ट और राइट साइड से इक्वेट करोगे x की पावर 0 का कोफिशेंट, फिर x की पावर 1 का, x की पावर 2 का, x की पावर 3 का, इस तरह से x की पावर्स को कंपेयर करते जाइए। इधर हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड पर, इसको आप 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सॉन, यहाँ से आप बता सकते हो, तो यहाँ से आप बताइएगा इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर ऑफ x, वेरियस पावर्स ऑफ x, ओके, सो वी हैव, सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं इक्वेट करती हूँ, सबसे पहले आप देखिएगा कि x की पावर m को जब मैं जीरो पुट करूँगी तो मुझे x की पावर जीरो वन मिलेगा, यानी कि कांस्टेंट, x की पावर जीरो का कोफिशियंट कंपेयर कर लो, तो m को जीरो पुट कर दो, यहाँ पर m को जीरो पुट किया तो x की पावर जीरो का कोफिशियंट मिल जाएगा, क्या आ जाएगा बता भी दो, बल्कि इक्वेटिंग द कॉन्स्टेंट टर्म, और यहाँ से m को जीरो पुट करोगे टू इंटू वन ए टू, इसके जो पूरा कोफिशियंट मिल गया हमें, यहाँ से
एक्स की पावर वन पुट करोगे तो हमें एक्स मिल रहा है, तो यहाँ से मुझे कोई टर्म नहीं मिलेगी, ये आ जाएगा प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब टू इंटू ए टू इज प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे मिल जाती है, यहाँ से मैं ए टू की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ए टू कितना आ जाएगा माइनस ए नॉट बाय टू, इक्वेटिंग द एक्स की पावर जीरो यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म। चलिए अब हम इक्वेट करते हैं एक्स की टर्म को, यानी कि यहाँ पर आप बता भी सकते हो इक्वेटिंग कॉफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशियंट कब मिलेगा, जब आप हमने एम इक्वल टू जीरो के लिए ओपन कर लिया कॉन्स्टेंट टर्म मिल गई, एम को वन पुट करोगे तो यहाँ पर एक्स मिलेगा, यहाँ पर एम को वन पुट करोगे तो एक यहाँ से एक्स मिलेगा, ये हमारा कॉन्स्टेंट हो गया। तो एक्स की पावर वन के लिए जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने एम को वन पुट किया, तो वन प्लस टू थ्री इंटू वन प्लस वन इज टू ए थ्री, हमें सिर्फ कॉफिशियंट लेना, इस चीज़ का ध्यान रखना एक्स की पावर वन होगा वो हम नहीं लेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं है इक्वेट करना तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, सीरीज को ओपन कर लीजिए और एम इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर, बस तीन टर्म्स तक एम इक्वल टू जीरो टू टू इतना आप ओपन कर लीजिए, और उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट भी आना चाहिए। हमने एम को वन पुट किया तो मुझे एक्स यहाँ से मिला, यहाँ पर जब आप एम को वन पुट करोगे तो एक्स यहाँ से मिलेगा, तो इसका कॉफिशियंट क्या बनने वाला है, एम को वन पुट किया आपने तो टू ए वन, अब यहाँ पर ए टू नहीं लिख देना क्योंकि यहाँ पर आपने एम को वन पुट किया है तब आपको एक्स मिला है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ए वन। क्लियर दैट पॉइंट, एंड इधर इक्वल टू जीरो, सो यहाँ से आप ए थ्री की वैल्यू निकाल सकते हो, टू कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ए थ्री इज इक्वल टू माइनस ए वन बाय थ्री। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेटिंग कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के लिए हम इसमें क्या पुट करें, एम को टू पुट करें, तो एम को टू पुट कर दो, फोर इंटू थ्री ए फोर प्लस, नेक्स्ट टाइम एम को टू पुट करोगे क्योंकि सब में एम को टू पुट करेंगे तभी, क्योंकि इसीलिए हमने एक्स की पावर एम और एक्स की पावर एम पहले ही सेम कर लिया है ना, ताकि अलग अलग ना पुट करना पड़े, तो एम को टू पुट कर दो थ्रू आउट, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, और ठीक है दिस इज थ्री ए टू इक्वल टू जीरो, ए टू की वैल्यू निकाल चुके हैं, माइनस यहाँ पे पुट कर दे, चलो आगे करते हैं, थ्री से थ्री कैंसिल, ए फोर इक्वल टू माइनस ए टू, फोर इंटू ए फोर, ओह ए फोर तो निकाल ही रहे हैं यार, दस ए टू की वैल्यू पुट कर दो, माइनस वन बाय फोर माइनस ए नॉट बाय टू। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ए नॉट ए वन वैल्यू जो है मिलती रहेंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए नॉट टू मल्टीप्लाई फोर, ये 2.4 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 4 है। सो हमने यहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, फोर तक वैल्यू निकालो फिर आप जनरल वैल्यू बता सकते हो। देखिए ए नॉट और ए वन जो है उसकी वैल्यू नहीं हमारे पास, क्योंकि ए टू की वैल्यू ए नॉट में निकाली हमने, ए थ्री की वैल्यू ए वन में निकाली, समझ रहे हो, ए फोर की वैल्यू फिर से ए नॉट में आ गई, ए फाइव की ए वन में आ जाएगी, अंडरस्टैंड, मतलब अगर हम जनरल वैल्यू निकालेंगे तो ए नॉट और ए वन तो हमारे रिपीट हो रहे हैं, ए टू में ए नॉट आ रहा है, ए थ्री में ए वन आ रहा है, ए फोर में ए नॉट आ रहा है, ए फाइव में ए वन आ रहा है, इस तरह से है ना। तो हमें क्या करना है, जब जनरल वैल्यू निकालेंगे तो ए टू को ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इन जनरल अप टू सॉन्ग, इन जनरल अगर हम बताएंगे तो ए टू को मैंने लिया ए नॉट, सॉरी ए एन, ए टू को लिया मैंने ए एन। ठीक है, तो ए टू को अगर आप ए एन लेते हो तो ए फोर की जगह पे क्या आ जाएगा, ए एन प्लस टू, तो यहां पर आ जाएगा ए एन प्लस टू। क्लियर दैट,
an प्लस टू, ये जो आपने निकाला है यहाँ पर कंपेयर करके, इधर आपको लिखना पड़ेगा कि इसको हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने चलो वैल्यू बता दी, लेकिन जब आप इन जनरल लिखोगे तो आप इस सीरीज को देखते हुए लिखोगे, ये जो आपने यहाँ पर ओपन किया इन टर्म्स को देखते हुए आप इन जनरल लिखोगे। ए फोर को अगर मैंने एन प्लस टू लिया तो फोर क्या रहा, टू को मैंने एन एफ में चेंज किया, यानी टू के बाद टू को अगर रिप्रेजेंट करेंगे ए टू को ए एन से तो फोर्थ हो गया एन प्लस टू, यानी दो में दो ऐड करोगे तभी तो चार आएगा, यानी एन को आपको सबसे पहले टू पुट करना है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर थ्री को एन प्लस वन, प्लस यहाँ पर थ्री है एन प्लस वन, ए टू ए एन इक्वल टू जीरो, कब होगा भाई ये, जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा, क्यों, क्योंकि ए टू ए वन और ए नॉट में तो वैल्यू हमें निकालनी है, ए टू की वैल्यू ए नॉट में, ए थ्री की वैल्यू ए वन में, समझ रहे हो। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए एन प्लस टू की वैल्यू, ये एन प्लस वन कैंसिल आउट, माइनस ए एन डिवाइड बाय एन प्लस टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अगर अगर मैं एन को टू पुट कर देती हूँ, एन को मैंने टू पुट किया, ए फोर आ गया, ठीक है, एन को टू पुट करोगे हमें मिला ए फोर, ए फोर माइनस यहाँ पर ए टू डिवाइड बाय टू प्लस टू जब फोर, ए टू यही वैल्यू निकाली थी हमने ए फोर की माइनस ए टू बाय फोर, ठीक है, तो ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसलिए आप इसको दिखा दो एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टू। जैसे आप एन को टू से बड़ा रखो, मान लीजिए टू को एन को मैंने रखा थ्री, यहाँ पर एन को थ्री पुट कर दो तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए फाइव इज इक्वल टू माइनस ए थ्री डिवाइड बाय हेयर थ्री प्लस टू इज फाइव, ए थ्री की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, माइनस माइनस प्लस ए वन डिवाइड बाय फाइव इंटू थ्री, ये वैल्यू आ जाएगी ए फाइव, समझ रहे हो। तो आगे की सारी टर्म्स ना निकाले इसलिए इसको जनरल में चेंज करते हैं, और बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लेकिन है कुछ भी नहीं। तो यहाँ से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसे मैंने A5 की बताया, आप फिर A6, A7, A8 सब की वैल्यू निकाल सकते हो। N को यहाँ पर आप 4 पुट करोगे तो A6 की मिल जाएगी, 5 पुट करोगे तो A7 की मिल जाएगी, क्लियर दैट। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप जनरल यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हो डन। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने सोल्यूशन क्या लिया था, y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए क्यूब, ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दो, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज ए नॉट और ए वन तो एज इट इज रहेंगे, ए टू की वैल्यू आई थी रफ कर दी माइनस शायद माइनस ए नॉट बाय टू एक्स स्क्वायर, यही आई थी जी हाँ, माइनस ए थ्री की वैल्यू पुट कर दो ए वन बाय थ्री एक्स क्यूब यहाँ पर है, ठीक है, ए थ्री की वैल्यू, ए फोर की वैल्यू, ए फोर आ गया हमारे पास ए नॉट बाय टू इंटू फोर एक्स की पावर फोर, ए फाइव की वैल्यू क्या आई ए वन बाय फाइव इंटू थ्री एक्स की पावर फाइव प्लस अप टू सॉ। इसको आप अरेंज कर सकते हो कैसे, जो टर्म्स ए नॉट की टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, ए नॉट वन प्लस ये वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स फोर बाय फोर इंटू टू प्लस अप टू सो ऑन, और एक्स वन के ए वन के टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हो एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस ए वन तो कॉमन ले लिया एक्स की पावर फाइव बाय फाइव इंटू थ्री प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपका फाइनली आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मतलब आप इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो सबसे पहले तो आप इसको उस फॉर्म में चेंज करो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो, तो हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू बाय
वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब ये ऐसे नहीं बताएगा आपको कि आप जो है वो जीरो पर इसका सोल्यूशन निकालिए, एक्स इक्वल टू जीरो पर हमारा एक्स इक्वल टू जीरो में ऑर्डिनरी पॉइंट मिल रहा है, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर कंपेयर कर लो पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो डी वाई डी एक्स का मल्टीपल है माइनस टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू जो वाई का मल्टीपल है टू बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स को जीरो पुट करके देखो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स को जीरो पुट करोगे यहाँ पर वन रहेगा, जीरो आ गया, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, देयर फोर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर बोथ एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू जीरो इज ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का ऑर्डिनरी पॉइंट है तो इसका सोल्यूशन क्या लेकर चलते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू ए नॉट, इस फॉर्म में आपको लेना है ए वन ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, यानी कि एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स की पावर एम, इस फॉर्म में हमें सोल्यूशन लेना है। आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा, सेम रहेगा जैसे हमने पीछे किया था, क्या आया था एम इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक टर्म कम हो जाती है डेरिवेटिव करते हो तो, है ना, यहाँ से एक्स की पावर एम का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो एम पावर आगे ए एम एक्स की पावर एम माइनस वन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिएगा, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से भी एक टर्म और कम हो जाएगी, तो मतलब स्टार्टिंग से दो टर्म कम हो जाती हैं, एम इक्वल टू 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 इन्फिनिटी एम इन टू, अब यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव कर दो पता चल जाएगा आपको क्या आने वाला है, एम इन टू एम माइनस वन ए एम एक्स की पावर एम माइनस टू। मैंने आपको पहले बताया था डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, तो समेशन कहाँ से स्टार्ट होगा ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो फर्स्ट में, सो वन माइन फर्स्ट इक्वेशन ये ले लो वन माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं ठीक है इसी को रखो फर्स्ट क्योंकि इसमें डिवाइड आ जाता है बाद में फिर करना पड़ेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर समेशन एम इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, टू से स्टार्ट है ना, एम इन टू एम माइनस वन ए एम एक्स की पावर एम माइनस टू, माइनस टू एक्स एम इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एम ए एम एक्स की पावर एम माइनस वन, प्लस टू इंटू वाई की वैल्यू एम इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स की पावर एम इक्वल टू जीरो। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, देखिए यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो, एक्स से जैसे मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर एम हो जाएगा। ठीक है, सारे समेशंस की पावर एक्स की पावर एम होना चाहिए, ये चीज़ आप यहाँ पर इंश्योर करिएगा। अब देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो वन माइनस, एक बार तो आप वन से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज रहेगा, ये समेशन लेंथ ही जरूर है ये क्वेश्चन, लेकिन है बहुत इजी, एम इक्वल टू 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 इन्फिनिटी एम माइनस वन ए एम एक्स की पावर एम माइनस टू, माइनस नेक्स्ट टाइम माइनस है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, है ना, एक्स की पावर एम रह जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एम इक्वल टू 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 इन्फिनिटी एम एम माइनस वन ए एम एक्स की पावर एम। समेशंस को आपको यहाँ पर इक्वल करना है, इक्वल कैसे, एम इक्वल टू टू से स्टार्ट है ये समेशन, अब जो हमने मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, अब इधर तो क्या करना पड़ेगा, इसको समेशन के इंडेक्स को शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि एक्स की पावर एम की फॉर्म में ले आए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको एज इट इज रखेंगे, इसको क्या करें एक टर्म ओपन कर लेंगे, क्यों, क्योंकि एम इक्वल टू टू से स्टार्ट हो जाएगा तो सारे समेशंस को कॉमन ले लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है, यहाँ पर देखिए आप माइनस की टर्म थी ना माइनस टू, एम इक्वल टू वन पुट कर लो इसमें, सो एम को वन पुट किया वन ए वन एक्स की पावर वन, यानी ए वन इंटू एक्स आ गया, एक्स एम इक्वल टू वन के लिए सॉल्व कर लिया तो समेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, नेक्स्ट टर्म में एम इक्वल टू टू से, ये चीज़ क्लियर हुई आपको, माइनस था यहाँ पर तो नेक्स्ट टाइम भी माइनस रहेगा, माइनस टू इंटू एम इक्वल टू 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 इन्फिनिटी एम ए एम एक्स की पावर एम, समझ आया, एम इक्वल टू वन के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया,
नेक्स्ट टर्म जो इसकी आएगी उसको m इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर लेंगे समेशन को। ऐसे यहाँ पर ओपन करो, यहाँ पर आपको दो टर्म ओपन करनी पड़ेंगी, m इक्वल टू 0 के लिए 2 इंटू ए नॉट एक्स की पावर 0 1, 2 इंटू ए 1 इंटू एक्स, और नेक्स्ट जो टर्म में समेशन m इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो जाएगा ए एम एक्स की पावर m। अगर ना भी करते हैं तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि हमें करना कंपलसरी है, सिर्फ करते इसलिए है। अब मैं इन तीनों समेशन को इकट्ठा कर सकती हूँ, क्लियर दैट। अब जो समेशन को इंडेक्स को भी शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, यानी यहाँ से m माइनस टू को आप k पुट करोगे, तो यहाँ पर कर ले हम इसको, m माइनस टू इज इक्वल टू k, m की वैल्यू k प्लस टू, अगर m 2 है तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस इधर आ जाएगा k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, हेयर m को पुट करोगे k प्लस टू, k प्लस टू k प्लस वन, ए m को रखा k प्लस टू, जी हाँ, और x की पावर k। अब देखो यहाँ से ये समेशन, ये और ये समेशन, इसको इकट्ठा कर लो, मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, m इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, ए एम एक्स की पावर m सबके पास टर्म है, ठीक है, माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस बाहर, इधर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m, ये चीज़ कॉमन रहेगी, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई इसी के साथ था, नहीं नेक्स्ट के साथ है, यहाँ पर माइनस और माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया 2 इंटू m, ए एम एक्स की पावर m कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से प्लस 1 और ए एम एक्स की पावर m, जो टर्म यहाँ पर बचती है उनको देख लीजिए, 2 इंटू ए वन एक्स कैंसिल आउट, प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी 2 ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं इसको m में वापस कन्वर्ट कर ले, 0 टू इन्फिनिटी m प्लस टू, m प्लस वन, ए एम प्लस टू एक्स की पावर m माइनस सॉरी m इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी m स्क्वायर प्लस m प्लस वन, ए एम एक्स की पावर m प्लस 2 इंटू ए नॉट इक्वल टू 0। मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं, लेंथी क्वेश्चन है, एक बार मैं मैच कर लेती हूँ इसको, क्या हमने सही किया है। अब आपको यहाँ पर इक्वेट करना है और x की टर्म्स को, एंड देन फाइंड आउट द वैल्यूज। जी हाँ, इसने समेशन को डिफरेंट अलग अलग रखा है। अब जब आप बुक में देखिएगा ना, जेवनसन्स पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रहे होगे आप भी, तो इसमें आप देखोगे तो समेशन को अलग अलग रखा है, आप इसको अलग भी रख सकते हो और ऐसे अगर सॉल्व करते हो उस समेशन में, एक में कन्वर्ट कर लेते हो। चलिए अभी हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, तब हमें पता चलेगा क्या हम सही चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर था ना, इसको ओपन ना करके आप इसको सेम भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इकट्ठा कर लेते हैं समेशन का, m इक्वल टू 2 से सारे स्टार्ट कर लिए तो हम कॉमन ले सकते हैं, बस इतना फर्क होता है। अब m x की पावर 0 का कोफिशियंट हमें कंपेयर करना है, मतलब हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए। कांस्टेंट टर्म कहाँ पर आने वाली है? अगर मैं इस समेशन में m को 0 पुट करती हूँ, भाई ये समेशन तो ऑलरेडी 2 से ही स्टार्ट है, यहाँ तो 0 पुट नहीं कर सकते हम, यहाँ पर तो m की वैल्यू 2 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा हमें, है ना। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर सिर्फ मैं छोटा सा लिखती हूँ, कांस्टेंट टर्म हम कंपेयर कर रहे हैं, m को 0 पुट करोगे तो मुझे यहाँ से कांस्टेंट टर्म मिलेगी 2 इंटू 1 ए 2, और एक लास्ट टर्म है 2 इंटू ए नॉट, मिल गया ये वाली टर्म इक्वल टू 0, 2 और 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ए टू इज इक्वल टू माइनस ए नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक्स की कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स ये कंपेयर करो, एक्स कहाँ से मिलेगा जब मैं इसमें एम को 1 पुट करूँगी, एक्स को एम को 0 पुट कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी मर्जी पर डिपेंड करेगा कि हम इसको एम को 0 पुट करें ना करें, समेशन तो ओपन करना पड़ेगा तभी तो टर्म्स मिलेंगी ना हमें। भाई इसकी टर्म आप सॉल्व भी कर सकते हो, आप m को 0 1 2 3 इस तरह से आप इसकी टर्म ओपन कर लो, इसको प्लस अप टू सॉन छोड़ दो लिख के, समझ रहे हैं कैसे। भाई समेशन को ओपन कर लो, आपको इसकी टर्म मिल जाएंगी, या फिर साथ साथ टर्म निकाल लो। m इक्वल टू 0 इसमें तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 से स्टार्ट है ऑलरेडी, m को जब मैंने यहाँ पर 1 पुट किया तो मुझे x की पावर 1 मिला, तो यहाँ से कोफिशिएंट आ जाएगा
थ्री इंटू टू ए थ्री, एंड ये हम नहीं ले सकते अभी यहाँ से, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हमें ए थ्री की वैल्यू मिल गई ज़ीरो। ठीक है, ए थ्री हमारा ज़ीरो है, बिल्कुल सही है, वैल्यूज हमारी सही है, यानी कि हम ऐसे ठीक चल रहे हैं, हमारे कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं है। ओके, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जो आप कॉफिशियंट कंपेयर करोगे तो एम को यहाँ पर आप पुट करोगे टू, क्योंकि इसकी जो थर्ड टर्म आएगी ना वो मिलने वाली है जब एम को टू पुट करेंगे, फोर इंटू थ्री ए, टू पुट किया फोर, और यहाँ से भी मिलेगी अब हमें, एम को टू पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस टू स्क्वायर फोर प्लस टू, टू पुट कर रहे हैं जी हाँ, थ्री सेवन, सेवन ए टू इक्वल टू ज़ीरो। ए टू की वैल्यू निकाल चुके हो तो ए फोर की वैल्यू फिर से ए नॉट में आ जाएगी, ये आ जाएगा ए फोर इज इक्वल टू सेवन डिवाइड बाय फोर इंटू थ्री सेवन ए टू, ठीक है, और ए टू की वैल्यू रख दूँ माइनस ए नॉट, ठीक है ना, क्योंकि इस टर्म को आप उधर लेकर जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, ए टू की वैल्यू रखोगे ए नॉट आ जाएगी। ठीक है, ये टर्म भी हम ओपन कर लेंगे, प्रॉब्लम कहाँ आएगी जब आप जनरली इसको डिफाइन करने वाले हो, बताने वाले हो, इन जनरल जब हम निकालते हैं तब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब ए थ्री तक निकाल लिया हमने, ए फोर तक निकाल लिया, अब आप इन जनरल बता सकते हो, इन जनरली देखिए वैल्यूज हमारी ए टू से स्टार्ट हुई है, यानी ए टू की वैल्यू ए नॉट में निकली है हमारी, ठीक है, तो a2 अगर an को रिप्रेजेंट करता है तो a4 n प्लस टू हो जाता है, तो ये आ जाएगा n प्लस टू n प्लस वन ए एन प्लस टू। हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इस टर्म का, और इस टर्म के फैक्टर नहीं बनेंगे इसका मतलब मिस्टेक तो हो चुकी है। अब मिस्टेक कहाँ है ये देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक इस टर्म का यूज़ हमने नहीं किया था तो ये वैल्यूज़ हमारी सही निकल गई थी, अब जब इस टर्म का जब हमने m को टू पुट किया है तब इसमें प्रॉब्लम आई है ना। चलिए देखते हैं भाई, यहाँ से हमने m इक्वल टू ज़ीरो के लिए ओपन किया, टू यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई नहीं किया, फर्स्ट मिस्टेक है ना, जब हमने लास्ट समेशन को ओपन किया है तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हमने कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लिया, ये टर्म हमारी पॉजिटिव हो जाएगी m स्क्वायर माइनस m, इसके बाद ये टर्म हमारी पॉजिटिव टू इंटू m, और इसके बाद ये टर्म, दिस टर्म इज़ नेगेटिव, और नेगेटिव माइनस टू, ठीक है, सही चल रही है। अब देखिए यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एम माइनस टू, ओके, अब इसके फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, टू इंटू वन कर सकते हो, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस टू इज इक्वल, इसको आप लिख सकते हो एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस टू, एम एम प्लस टू माइनस वन एम प्लस टू, तो एम प्लस टू और एम माइनस ये फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, इसको मैंने रफ कर दिया और यहाँ पर फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दिया एम प्लस टू एम माइनस वन। ओके, ये इसलिए लिखते हैं हम ताकि हमें यहाँ से, जैसे m प्लस टू को हमने क्या लिया यहाँ पर, जैसे हमने इन जनरल लिया, यहाँ पर मेरी फोर वैल्यू आई है ना, यहाँ पर कितनी आएगी अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी तो चेंज होगी ना, जब आपने टू पुट किया इधर तो टू टू जो फोर इंटू वन, टू माइनस वन इज वन ए टू, ठीक है, और इधर आ जाएगी वैल्यू फोर, जब ए फोर की वैल्यू निकालोगे तो फोर तो कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, तो ए फोर आ जाएगी ए नॉट बाय थ्री माइनस ए नॉट बाय थ्री। चलिए जनरली हम चल रहे थे, ए टू को हमने nth में रिप्रेजेंट किया तो फोर हो गया n प्लस टू, अगर टू से हम स्टार्ट कर रहे हैं सो ये हमारे पास आ जाएगा n प्लस टू एन प्लस वन, ठीक है, ए टू को हमें l में लिखना है तो फोर को क्या लिखोगे यहाँ पर, अगर हम देखें तो माइनस फोर के लिए हमने लिया n प्लस टू, क्योंकि टू में टू ऐड करेंगे तो हमारे पास फोर आता है ना, और n को हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, n टू के प्लेस पर हमने n को पुट किया है ना, तो n प्लस टू टू प्लस टू, इसलिए टू के प्लेस पर n पुट कर लो अपने आप बन जाएंगी,
थ्री क्या होता है, टू प्लस वन, सो एन प्लस वन, ए फोर ए एन प्लस टू, फोर एन प्लस टू, वन एन माइनस वन, ओके, ए टू ए एन इक्वल टू जीरो, क्लियर दैट। तो ए फोर तक या एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट कंपेयर करने के बाद आप इन जनरल लिखेंगे तो काफी इजी हो जाएगा, ओके। चलिए एन प्लस टू कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो, ए एन प्लस टू की वैल्यू आ जाएगी ए एन डिवाइड ए एन इंटू, उधर से हमारे पास एन माइनस वन रहेगा फैक्टर, डिवाइड बाय एन प्लस वन इंटू ए एन। अब आप यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करते जाओ, हमें ए फोर तक वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर आपके पास एन की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन टू आप पुट करोगे, थ्री पुट करोगे फाइव की मिलेगी, ए फोर पुट करोगे सिक्स की मिलेगी, समझ गए। तो इस तरह से वैल्यू पुट करते जाओ, वैल्यूज निकाल लो, किस में पुट करेंगे, हमारा सॉल्यूशन कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। वाई वन की वैल्यू वाई सॉरी ए नॉट की वैल्यू ए नॉट ही रखनी है, ए वन क्योंकि हम ए टू निकाल के चले हैं तो ए नॉट और ए वन की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी जो वैल्यू निकलेंगे वो ए नॉट ए वन में ही आएंगी, ओके। ए टू के प्लेस पर रखोगे माइनस ए नॉट, यहाँ पर माइनस ए नॉट, ए थ्री हमारा जीरो आ जाएगा। जब आप ए फोर निकालोगे, ए फोर की वैल्यू यहाँ से बता चुके हैं माइनस ए नॉट बाय थ्री, फिर आप ए फाइव निकालोगे, इस तरह से करते करते आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं और इसमें पुट कर सकते हैं, ओके। तो बाकी की वैल्यूज आप सॉल्व कीजिए, वैल्यूज निकालिए, और जैसे ही आप यहाँ पर ए फाइव निकालोगे तो यहाँ पर आएगा ए थ्री, और ए थ्री की वैल्यू जीरो आ चुकी है तो पूरी वैल्यू हमारी जीरो, यानी ए थ्री ए फाइव ए सेवन ये सारे हमारे जीरो आएंगे, ओके। तो इस तरीके से इनका सोल्यूशन करना है। इसमें आई थिंक थ्री एग्जाम्पल्स हैं, तीनों ही लास्ट ईयर क्वेश्चन यानी कि लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, ओके। एंड देन सेकेंड मेथड स्टार्ट हो जाएगा जब x इक्वल टू जीरो इसका ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा, ओके। सो x इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, अदर देन कोई पॉइंट है तो आपको कैसे सॉल्व करना है तब हम देखते हैं। अगर x इक्वल टू जीरो ऑर्डिनरी पॉइंट आता है तो हम सॉल्यूशन इस फॉर्म में लेते हैं ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो सेकेंड मेथड जो है इसका वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, साथ साथ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज मेथड से आपको सॉल्व इक्वल टू जीरो जहाँ पर ऑर्डिनरी पॉइंट बन रहा है सेम पैटर्न रहेगा, ओके। तो इनको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।